आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम वेजिटेबल पुलाव बनाने जा रहे हैं। हमने एक कटोरी चावल लिया है, बासमती चावल है, और एक कटोरी ही हमने पानी लिया है। आधा कटोरी बीन्स लिया है, एक कटोरी मटर लिया है, आधी कटोरी शिमला मिर्च लिया है, आधी कटोरी हमने धनिया लिया है, और आधी कटोरी आलू लिया है, आधी कटोरी प्याज लिया है, आधी कटोरी टमाटर लिया है, एक कटोरी हमने गाजर लिए, एक कटोरी गोभी लिया है, चार हरी मिर्च लिए हैं, दो हमने बारीक बारीक काट लिए हैं, दो लंबी शेप में काट लिए हैं, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच जीरा, 10-12 काजू, 10-12 किशमिश, 1.5 चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच ऑयल। सारी सब्जियां हमने पहले ही काट के धो ली थी, जिससे कि आपका टाइम ख़राब ना हो। आप भी इस तरह से ही पहले ही काट के धो लें। ये चावल हम 2 गिलास पानी में भिगो देते हैं 8 घंटे के लिए। 8 घंटा हो चुका है, अब हमारे चावल भीग चुके हैं। अब हम पुलाव बनाते हैं। हमने मीडियम गैस करके कुकर रख दिया है। हमने ये तेल इसके अंदर ऐड कर दिया है। इतने हम तेल गर्म होता है हमारा, इतने हम इसका इंतज़ार करते हैं। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ये जीरा ऐड कर देते हैं और गैस धीमी कर देते हैं। इसको हम भून लेते हैं सुनहरा होने तक। अब हम इसके अंदर अपनी प्याज डाल देते हैं। प्याज को भी हम सुनहरा होने तक भून लेते हैं। हमारी प्याज भून चुकी है, अब इसके अंदर हम, इससे ज़्यादा हमें प्याज नहीं भूननी है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्च ऐड करते हैं, हरी मिर्च और हल्दी भी ऐड करते हैं, लाल मिर्च भी ऐड करते हैं। इन सबको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। गैस अपनी धीमी करें, जिससे हमारे मसाले ना जलें। अब हम टमाटर ऐड करते हैं, नमक भी ऐड करते हैं। इनको सबको अच्छी तरह से भून लेते हैं। आराम आराम से इनको हम भूनते हैं। अब इसके अंदर हम आलू भी ऐड कर देते हैं, हरी मटर भी, गोभी, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, ये काजू डाल दिए, किशमिश डाल दिए। इन सभी सब्जियों को और ड्राई फ्रूट को हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमने सारी सब्जियां मिक्स कर ली हैं। अब इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। गैस हमने अपनी तेज कर दिया। जो हमने चावल भिगोए थे उनका पानी हमने निकाल दिया। ये चावल अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब हमने इन सबको मिला दिया है। इसको हम बंद कर देते हैं एक सीटी आने तक। सीटी आ चुकी है, अब हम अपनी गैस बंद कर देते हैं और इसके प्रेशर निकलने तक का इंतजार करते हैं। प्रेशर निकल चुका है, अब हम अपना कुकर खोल लेते हैं। हमारे पुलाव रेडी है। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड कर देते हैं। ये खाने में बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें चावल कम है, सारी सब्जियाँ ही हैं। अब हम इनको मिला देते हैं। हमारे पुलाव खाने के लिए रेडी हैं, खाना भी खिलाना भी। मेरी वीडियो, हमारे पुलाव खाने के लिए तैयार हैं, खाना भी खिलाना भी। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।